कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया हो ना? हाँ भैया, हम तो बढ़िया ही है। सुनिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये जान लो कि आज का जो क्लास है, इस क्लास को कंप्लीट करने से पहले अगर पिछला दो लेक्चर आपका कंप्लीट नहीं है, छोटे तो पहले जाओ, उसको पहले जाके कंप्लीट कर लो। बिना पिछला दो क्लास कंप्लीट हुए अगर इस क्लास को आप चाहोगे कि हम समझ लें, तो समझ में ना आवेगा। बाद में ये मत कहो भैया समझ में नहीं आ रहा, समझना है। इससे पहले का दो क्लास आपको कंप्लीट करना है, और ज्यादा हम लोग फालतू बातें नहीं करने वाले आज क्लास में, ठीक? ये क्लास, ये जो चैप्टर है, मात्र 2 दिन का बचा हुआ है, एक आज का फिर कल का, 2 दिन के बाद ये समाप्त हो जाने वाला। इसलिए आपसे अनुरोध है कि थोड़ा मन एकाग्र कर लेना, ठीक है? अगर एकाग्र नहीं रखोगे तो ध्यान भटक जाएगा, तो कुछ समझ में नहीं आएगा। इस बात को समझ के चलना। आज हम लोग जो है ना, हम लोग विविध का 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग पहले 8 नंबर को कंप्लीट करेंगे, मतलब सारा क्वेश्चन ही कंप्लीट होगा। ऐसा नहीं कि मैं कुछ छोड़ने वाला, लेकिन मैं उस तरीके से बताने वाला कि ज्यादा आप परेशान भी ना हो और सब कुछ समझ में भी आ जाए, ठीक? तो ये भी एक बहुत बेहतर सवाल है, ठीक है? इस सवाल को आप सभी लगा सकते हो। देखो, यहाँ पर दो सेट को बराबर दिखाना है। हम लोग इससे पहले जो है लगातार पिछले 2 लेक्चर में इसी चीज को सीख रहे हैं। अगर हमको किसी भी दो सेट को बराबर दिखाना होता था तो हम लोग क्या करते थे? सिंपल सा, हम लोग दोनों को सब सेट दिखाते थे। मतलब हम लोग ये दिखाते थे कि ए सबसेट ऑफ बी है, दूसरा दिखाते थे कि बी सबसेट ऑफ ए। हम लोग ये दिखाते, ये दिखाने के बाद ये मेरा प्रूफ होता था कि ए बराबर बी होगा। एक बार हम लोग फिर से जानेंगे, ए बराबर बी तभी होगा जब ए सबसेट ऑफ बी होगा और बी सबसेट ऑफ ए होगा, तब जाकर के ए बराबर बी कहलाएगा। यहां पर हम लोग ये भी देखे थे, इसको सबसेट दिखाने का एक प्यारा सा तरीका था। हम लोग मान लेते थे कि एक्स जो है ए के अंदर बिलोंग कर रहा है, कोई एक एलिमेंट है एक्स जो ए के अंदर बिलोंग कर रहा है। हमको ये दिखाना होता था कि ये एक्स और कहीं नहीं, ये एक्स मेरा बी के अंदर ही बिलोंग कर रहा, तब ये ए जो है बी का सबसेट होता था। अर्थात ए के अंदर जो भी एलिमेंट होगा वो एलिमेंट मेरा बी के अंदर भी होने वाला, इसका ये तात्पर्य होता है। अर्थात हम एक्स बिलोंग्स टू ए मान के चलेंगे, और यहाँ पर त्रिगम लगा करके कुछ ऐसा स्पेशल त्रिगम लगाएंगे, और बाद में ये हम दिखा देंगे कि एक्स बिलोंग्स टू बी भी हो रहा, तब जाकर के ए सबसेट ऑफ बी हो जाएगा। यही जो त्रिगम है, यही आपको समझ में नहीं आता और इसी को आपको समझना है। एक और बी सबसेट ऑफ ए दिखाने के लिए फिर से वही फंडा अपनाएंगे जैसे यहाँ पर ए में एक्स को बिलोंग करवाए थे, सेम वही फंडा अपनाएंगे कि बी को ए का सबसेट दिखाना है, तो मान लेंगे कि वाई जो है बी में बिलोंग करता है। हम लोग मान के चलेंगे कि वाई हमारा बी में बिलोंग कर रहा, जब वाई हमारा बी के अंदर बिलोंग करेगा, और बाद में कुछ त्रिगम लगा करके, भैया ये त्रिगम मत बोलिए, ये हमें परेशान करने के लिए आया हुआ, ये त्रिगम 3 लाइन का है और हमें 30 दिशा, 30 दिशा होता है भैया, नहीं होता 16 दिशा में घुमा देता, ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अब यहाँ ध्यान दोगे, वाई मेरा बी में बिलोंग कर रहा, और हमको ये बताना है, ये दिखा देना है कि वाई हमारा जो एलिमेंट है ये ए में भी बिलोंग करेगा, उस कंडीशन में बी ए का सबसेट हो जाएगा। मतलब हम लोग वाई बिलोंग्स टू बी मान के चले और त्रिगम लगा करके हम ये दिखा देंगे कि वाई बिलोंग्स टू ए हो रहा है, तो बी मेरा ए का सबसेट हो जाएगा, बी सबसेट ऑफ ए हो जाएगा, ठीक? हमको इस प्रकार इसको कंप्लीट करना है। बहुत अच्छा, जब ये एक दूसरे का सबसेट हो गया, तब यहां से हम लोग ये बोल देंगे, ओ मेरे प्यारे भाई, हाँ आप दोनों बराबर हो, ये दोनों बराबर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर विशेष बातें क्या है, ए के स्थान में तो ए ही है, लेकिन बी के स्थान पर ये महाशय आ गए। कौन आ गए हैं? ए इंटरसेक्शन बी। देख लो, बी के स्थान पर कौन आया हुआ है? ए इंटरसेक्शन बी आया हुआ है, यूनियन ए माइनस बी आया हुआ है, बी के स्थान पर आया है, तो इसका भी पूर्णतः स्वागत किया जाएगा। जहां जहां बी है पहले, वहां वहां ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी लिखना आपका दायित्व बनता है। जहां जहां बी है वहां पर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी लिखना दायित्व बनता है। आपके मन में ये जोर जोर से सवाल उठ रहा होगा, भैया आखिर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी ये वेन आरेख में कौन से हिस्से को पेंट करता होगा? अरे चलो, बहुत अच्छा। इसी तरह आपको महत्वाकांक्षी अर्थात कुछ जानने के लिए जिज्ञासा आपके अंदर होना, ये और अच्छी बात है। चलो बी की जगह पर भैया बताए एक बात, हम तो कुछ सोचे भी ना थे ऐसा, आप तो अपने मन से क्या क्या बोल रहे, हम तो पूछे भी ना भैया, ना पूछे हम, मत बताइए, आप सिर्फ आगे बताइए। यहाँ ध्यान दो, अब मेरे मन में आ चुका है और मुझे भी लग रहा है कि आपने पूछा है तो बता ही देते हैं, भैया ना पूछे हैं, समझिए ना मेरे बात को।
सुनिए ना, यहाँ पर हमको बस बी की जगह पर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी लिखना था। बस इसका सोल्यूशन हो बहु यही होने वाला, एक नंबर का जो सोल्यूशन होने वाला, यहाँ पर दो प्रूफ करना है। ये पहला प्रूफ का आंसर यही है, सेम टू सेम आंसर यही होने वाला, सिर्फ ये तीन लाइन अलग होने वाला, ये तीन लाइन अलग होने वाला। भैया आप तो पहले आंसर लिख दिए, लेकिन तीन लाइन क्यों नहीं लिखे? जब तीन लाइन लिखेंगे ना, आप तीनों दिशा घूम करके फिर यहाँ आ जाओगे। भैया जी तीनों दिशा आप हमको घुमा दीजिएगा, ऐसा क्या है उस तीन लाइन में, पता चलेगा, नहीं घबराओ, अभी सब कुछ बताएंगे। सुन लो, इसका आंसर यही होने वाला है, मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, इसका आंसर यही होने वाला। बस ये तीन लाइन आपको तीन, मतलब जितना भी तीन लोक बोलो, जो भी बोलो, सबका दर्शन हो जाएगा, चाहे वो पृथ्वी लोक हो या पाताल लोक हो या फिर स्वर्ग लोक हो, सब लोक का दर्शन आपको अभी होने वाला। इसलिए मैं कह रहा कि आप जहां पर हो वहीं पर अपने सीट को जो अच्छी तरह से पकड़ लेना, क्योंकि हम लोग बड़ी तीव्र गति से आज सीखने वाले हैं। ये तीव्र गति तो नहीं है, अभी तो बहुत आसान लगा भैया, सब कुछ आसान लगा। हाँ, आपने कुछ कहा था भैया, मुझे जो है इसका मतलब ये वेन आरेख में कौन से एरिया को डिनोट करेगा उसको समझना है। सही में आपको ये समझना था? वाह, पहले ये जानो ए इंटरसेक्शन बी कौन से एरिया को डिनोट करता। भैया ए इंटरसेक्शन बी बोले ना, ये बीच वाले एरिया को डिनोट करता। बहुत अच्छे, ये बीच वाले एरिया को डिनोट करता। अगर हम बोले ए माइनस बी, तो ये कौन से एरिया को डिनोट करेगा बताओ? ए माइनस बी कौन से एरिया को डिनोट करेगा? तो भैया a माइनस बी की बात कर रहे हैं ना, तो a माइनस बी हमारा इस एरिया को डिनोट करेगा। अब इस दोनों का यूनियन कर दिए, मतलब दोनों को मिला दिए, a इंटरसेक्शन b को और a माइनस बी को अगर दोनों को मिला दें, तो वो कौन से एरिया को डिनोट करने वाला भैया बताइए? भैया जब दोनों को हम मिला देंगे इस दोनों को, तो ये पूरे के पूरे a को डिनोट करेगा। और हमको वही तो प्रूफ करना है, ये वैल्यू a के बराबर हो रहा। कहां पर इन्होंने कह दिया कि ये नहीं होगा? बिल्कुल, ये ऐसा इसको देख करके ही आपको लग रहा होगा ये भैया ए को ही दिखा रहा है। बस आप देख के बता सकते हो अगर आपको वेन आरेख का अच्छा खासा नॉलेज है तो। वैसे मेरे ख्याल से अब वो घड़ी आ चुकी है कि हमें इसको प्रूफ कर देना चाहिए, इसको यूं परेशान नहीं करना चाहिए, अब वो घड़ी आ चुकी है। चलिए इसको हम लोग परेशान नहीं करेंगे, इसको हम लोग पहले प्रूफ ही कर देंगे। तो पहला नंबर प्रूफ कर रहे हैं। प्रूफ करने से पहले हम लोग हर क्वेश्चन में ये लिखते ही लिखते हैं कि क्या दिया हुआ है और क्या प्रूफ करना है, ठीक है? तो पहले लिखो गिवन डेट या फिर दिया हुआ है, जो आपकी अच्छा, मतलब जो आपको अच्छा लगे ना वो आपको लिखना है। मैं आपके ऊपर कोई फोर्स नहीं डाल रहा कि आपको ये लिखना है वो लिखना है। भैया जी जानते हैं आप तो हमेशा दबाव डालते हैं, गिवन डेट लिखो, फाइंड डेट लिखो, जो सही है उसके लिए मैं कहूंगा ही कहूंगा। गिवन डेट और फाइंड डेट क्या दिया हुआ ये बताओगे? भैया जी इसमें पता है क्या दिया हुआ? इसमें दिया हुआ है कि a बराबर है, क्या दिया हुआ, कहाँ कुछ दिया हुआ? ये दोनों तो हमको समुच्चय दिया हुआ है, हमको ये दिखाना है, दिया हुआ कुछ नहीं, हमको सीधा प्रूफ करना है। दो समुच्चय दिया हुआ, यानी को सिद्ध करना है कि, सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है? a बराबर a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस b। अब सबको पता है ये सिद्ध करने के लिए हम लोग क्या क्या सिद्ध करेंगे। हम लोग पहले सबसेट दिखाएंगे, ए का ये सबसेट दिखाएंगे, बी की जगह पर ये आया हुआ है, बस ऐसे जानो ना, हमको इस दोनों को आपस में सबसेट दिखाना है। आप ये सबसेट दिखा लिए, उसके बाद क्या करना है हमको? फिर इसको इसका सबसेट दिखाना है। जब ये एक दूसरे का सबसेट हो जाएगा ना, तब ये हम लोग चीख चीख करके मतलब सबको बताते चलेंगे कि ये इसका सबसेट हो गया और ये इसका सबसेट हो गया, अर्थात ये दोनों आपस में बराबर है। हमें पूर्णतः ये दिखाना है, और मेरा आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है। क्यों ना हम आंसर का चीटिंग कर रहे हैं? भैया जी आप बोल रहे हैं चीटिंग करें, गलत बात भैया। चलिए उत्पत्ति की तरफ हम लोग पहुंचते हैं, बड़ी तीव्र गति से पहुंचते हैं, बिना रुके बिना थके हम लोग चलते चलेंगे बस, ठीक है? अब देखो मेरा पहला काम क्या है, ए सबसेट ऑफ ये दिखाना। तो हम लोग मान के चलेंगे कि एक्स मेरा ए के अंदर बिलोंग कर रहा है। चलो मानो पहला नंबर हमको सबसेट दिखाना है, हम लोग मान के चलेंगे कि एक्स मेरा ए के अंदर बिलोंग कर रहा है। चलो अतिक्रम लगाओ और ये प्रूफ करो कि ये होने वाला, मतलब यहाँ पर आपको त्रिकोण लगाना है और कुछ ऐसा प्रूफ कर देना है कि x belongs to a intersection b union a minus b। भैया जी आप तो पूर्णतः आप यहाँ पर ही पहुंच गए, ये गलत बात भैया जी, पहले बताइए तो सही, क्या बता दें हम कि ये त्रिकोण क्या लगाने वाले? सुनिए अब सुनना है, यही आपको परेशान करने वाला, मैं पहले बता दिया अब मैं इसको प्रूफ करता हूं। सुन अब इसको समझना, x belongs to a क्या, यहाँ त्रिकोण कब लगाओगे, मतलब प्यारे प्यारे फंडे को कब लगाओगे? जब आप इसको समझ पाओगे, जस्ट ऊपर वाले लाइन को, x belongs to a का मतलब क्या होता भैया जी? इतना छोटा छोटा बनाया है, लगभग x मेरा a के अंदर बिलोंग कर रहा। अगर x a के अंदर बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? x या तो b में बिलोंग करेगा, हाँ भैया जी,
एक्स या फिर बी में बिलोंग करेगा या फिर बी में बिलोंग नहीं करेगा, यही मतलब हुआ। एक्स बिलोंग टू ए का मतलब क्या हुआ, समझो, समझना। हम बोल दिए कि एक्स इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, तो आप बोलोगे भैया या तो एक्स यहाँ पर बिलोंग करेगा या तो एक्स यहाँ पर बिलोंग करेगा, दोनों में से कहीं एक्स मेरा बिलोंग करने वाला। अगर मेरा एक्स यहाँ बिलोंग करेगा, इसका मतलब हो गया कि एक्स मेरा ए में भी बिलोंग कर रहा है, एक्स मेरा बी में भी बिलोंग कर रहा है, यही मतलब हुआ, मतलब हुआ ना। अर्थात अगर हम ये बोल रहे हैं कि एक्स बिलोंग टू ए, इसका मतलब हुआ, एक्स बिलोंग टू ए का मतलब हुआ कि एक्स या तो बी में बिलोंग करेगा या फिर एक्स बी में बिलोंग नहीं करेगा, यही दो कंडीशन हो सकता है। या तो एक्स यहाँ पर होगा अर्थात एक्स बी के अंदर है, या फिर एक्स बी के अंदर नहीं होगा, यही दो कंडीशन हो सकता, समझो। बस यही त्रिग्रम है जो आपको समझ में, समझ से परे तब होगा जब आप हर एक चीज को ना समझ पाओ। एक्स बिलोंग टू ए का मतलब क्या हुआ, एक्स दोनों में से कहीं एक जगह बिलोंग कर सकता, बिल्कुल भैया। अगर एक्स यहाँ बिलोंग करेगा तो एक्स बिलोंग टू बी हो सकता है, अगर एक्स यहाँ बिलोंग करेगा तो एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी होगा, यही दो कंडीशन हो सकता, हम लोग उसी को लिखेंगे। देयरफॉर एक्स बिलोंग्स टू बी, फिर अथवा फिर या लिखो, या क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमको यूनियन लाना है, इसलिए यहाँ पर या हम लोग लाए, या तो x belongs to b होगा या फिर x does not belongs to b होगा। देखो हमको यहां तक पहुंचना है, आपको कुछ लगाना, दिमाग लगाओ या कोई सा किसी से उधार दिमाग की मांग के लाओ, लेकिन आपको यहाँ पर पहुंचना है। अब बचा है दो तीन चार लाइन, जितना लाइन आपको लेना ले लो, लेकिन हमको यहाँ तक पहुंचना है। हम पहले आंसर लेके बैठे हुए हैं कि आप अपना दिमाग लगा के यहाँ तक पहुंचो। भैया जी काश हमारे पास ही सोचने समझने की शक्तियां होती, अरे है, अपने आप को पहचानना सीखो। देखो x belongs to b, अब ये लाइन हम लोग लेते हैं, अब सब कुछ भूल जा रहा है, अब सारा ध्यान इस लाइन के ऊपर दो, इधर सब कुछ भूल जाओ, ये समझ में नहीं आया तो अभी तुरंत आप मेरे पास आओगे, भैया हमारे समझाए, ठीक है, समझ में नहीं आया तब, अब सारा ध्यान यहाँ लगाओगे, ठीक, हर एक लाइन पे ध्यान लगाते चलो, बनते चलेगा। यहाँ बोला गया एक्स बिलोंग्स टू बी है, अब हमको क्या लाना है कि एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, ये लाना है, मतलब ए और बी का इंटरसेक्शन लाना है। इंटरसेक्शन का मतलब ही होता है और, यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिख ही रहा है कि x मेरा a में बिलोंग कर रहा और x मेरा b में बिलोंग कर रहा, तो हम लोग बोल सकते हैं कि x मेरा जो है a इंटरसेक्शन b में बिलोंग करेगा। अरे मेरे प्यारे भाई, हम बताए थे ना, समझो इस लाइन को, समझोगे तब समझ में आएगा, हर एक बात को अच्छे ढंग से समझना है, ठीक है, ये तभी समझ पाओगे जब आप एकाग्र रहोगे, कभी इधर सोचोगे कभी उधर सोचोगे, सब कुछ दिमाग से निकल जाने वाला। फिर से समझो, बोला गया कि एक्स मेरा ए के अंदर और बी के अंदर दोनों में बिलोंग कर रहा, ये कंडीशन तभी होगा जब एक्स मेरा बी से बिलोंग करेगा, एक्स मेरा ए में भी बिलोंग कर रहा और बी में भी बिलोंग कर रहा, ये तभी होगा जब ये बीच वाले में बिलोंग करेगा, अर्थात एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, या देख लो ए इंटरसेक्शन बी से यहाँ पर आ चुका है। फिर देखो एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी, मतलब एक्स मेरा बी के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा, अर्थात एक्स मेरा यहाँ बिलोंग करेगा। एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी का मतलब क्या हुआ, एक्स यहाँ बिलोंग करने वाला, और इसको हम क्या बोलते हैं, ए माइनस बी, अर्थात एक्स बिलोंग टू ए माइनस बी। बस ये दो लाइन था जो कि हमको किसी भी तरह लिखना था, इस दो लाइन के बाद हम लोग इसको लिख सकते हैं कि x belongs to a intersection b union a minus b। बताओ इसमें कहां कोई समस्या आया भैया जी, बस ये दो लाइन जो है सही मायने में हमें सब लोग का दर्शन करा दिया कि पृथ्वी लोक कहाँ पर है, पाताल लोक कहाँ पर है, स्वर्ग लोक कहाँ पर है, कौन कौन सा लोक होता है, सब लोग घूम गए बस इस दो लाइन के कारण। आप बोले थे तीन लाइन, यहाँ दो लाइन मुझे परेशान करके रख दिया, अच्छा हुआ तीसरा लाइन नहीं आया। ऐसे तो ना कहो, हमारे मैथ की बेइज्जती हो रही है ऐसे। हाँ मेरे प्यारे से मैथ ने कितना आसान बना दिया, आपको आंसर पता है, सिर्फ दो लाइन अपने मन से लिखना है, बताओ इतना कोई करता है किसी के लिए, इन्होंने आपके लिए किया, आप फिर भी इसके साथ ऐसा कहते हो। हाँ एक्स बिलोंग्स टू मेरा निकल गया ये इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी, प्यारा सा मैथ है, बताओ कितना आसानी से बन गया, हमको आंसर पता है, सिर्फ दो लाइन लिखना है, दो लाइन आप नहीं लिख सकते हो तो ये गलती आपकी है ना। यहाँ पर x belongs to a intersection b union a minus b आ चुका है, अर्थात हम लोग बोल सकते हैं उसके बाद क्या लिखना है, a जो है इसका सबसेट हो गया, therefore a subset of a intersection b union a minus b, ठीक, ये काम कंप्लीट। अब इधर चलना है हमको, सब आंसर लिखा हुआ है, छोटे आंसर लिखा हुआ है, सिर्फ दो तीन लाइन आपको अपने मन से लिखना है, उसको लिखने में अगर आप परेशान हो रहे हो तो ये फिर परेशानी तो है, ये भी मैं मानता, परेशानी तब होगा जब पहली बार पढ़ रहे हो ना, तो परेशानी होगा, ऐसा नहीं है कि आप एक बार में सीख जाओगे, हाँ लेकिन हाँ सीख सकते हो तब जब पिछला दो क्लास अच्छे ढंग से कंप्लीट किया हो। देखो इसको देखो, मान लेंगे लेट वाई इक्वल टू क्या है, बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी, ये मान के चल रहा है जैसे वहां पर कहा गया। अब यहाँ पर दो तीन लाइन अपने मन से कुछ ऐसा लगाएंगे और ये बना देंगे कि वाई बिलोंग्स टू ए, जैसे ये मेरा प्रूफ होगा कि y, ये मान के चल रहे हैं कि y मेरा
इसके अंदर बिलोंग कर रहा और यहाँ पर त्रिग्रम लगाने के बाद y belongs to a हो गया, तो हम वहां पर कह देंगे कि ये इसका सबसेट। भैया आप पहले आंसर लिख दिए, हाँ शर्म नहीं आता आपको, त्रिग्रम कौन लगाएगा, अरे वो लगाओगे आप ना, हम लगा के क्या करेंगे, जैसे ये सबसेट हो जाएगा हम बोल देंगे था a बराबर, हम छोड़ दें। भैया जी ऐसा ना कीजिए, हम कहीं के नहीं देंगे फिर, हाँ हमसे ना होने वाला, एक बार कोशिश करो तो क्या, आप ये बीच का तीन लाइन लिख सकते हो, सब कुछ भूल जाओ, दुनिया में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, अरे उसका कलम कौन ले लिया, अरे वो कहाँ जा रहा है, हा? अगर ये सब सोच के सब कुछ छोड़ छाड़ करके इस तीन लाइन को लिखने पर आप ध्यान दोगे तो आप पहले खुद से ट्राई करो, क्या आप इसका ये दो तीन लाइन लिख पा रहे हो, क्या आप यहाँ तक पहुंच पा रहे हो, समझने का कुछ दिमाग अपना लगाओ। भैया जी जानते हैं एक बात, इसको देखिए समझ में ना आवत है क्या करें आगे, अच्छा छोड़ो यहाँ देखो। अगर हो पा रहा है कम से कम प्रयास करो, मेरे लिए दो मिनट प्रयास करो, सोचो समझो, नहीं समझ में आ रहा सिर्फ वैन आरिफ बना के यहाँ रफ में वैन आरिफ बना के सोचने का प्रयास करो, भैया जी क्या कहना चाह रहे हैं। सुनिए यूनियन है, यूनियन को हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, चलो इसको हम लोग लिख रहे हैं, देयरफॉर हम बोल सकते हैं वाई बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, जैसे यहाँ पर। अब हम लोग उल्टा चलेंगे, इसी को देख के चलते चलोगे समझ में आ जाएगा, ये चीज दिया हुआ है, अब उल्टा लिखेंगे, यूनियन को यहाँ लिख देंगे, बस यूनियन को यहाँ लिख दिए y belongs to a minus b, यहाँ भी तोड़ दिए, इसमें आ गया ये मेरा फॉर्म, अब इसे इस फॉर्म में ले जाना है, सिंपल सा कितना प्यारा प्यारा चीज है। हम लोग बोल सकते हैं इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, और होता है मतलब हम लोग उल्टा जा रहे हैं, इस इतना समझ के चलना है आपको और कुछ नहीं, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, और होता है अर्थात y a में भी बिलोंग कर रहा और y b के अंदर भी बिलोंग कर रहा, तो हम लोग बोल सकते y belongs to a और y belongs to b, हाँ भैया बिल्कुल बोल सकते हैं, या का या हो गया, देख जगह कम है थोड़ा सा दिख रहा है उधर कि नहीं दिख रहा, या अच्छे से दिख रहा है एकदम एच डी क्वालिटी में दिख रहा, हाँ जी चलो बहुत अच्छी बात। अब यहाँ पर y belongs to a minus b, इसका मतलब क्या हुआ, y कहाँ बिलोंग कर रहा है, देखो तो a minus b मतलब y यहाँ बिलोंग कर रहा है, हाँ भैया y यहाँ बिलोंग कर रहा है, इसको हम लोग क्या कह सकते, इसको हम लोग बोल सकते y, इसको आप ये बोल सकते हो, हमको ले क्या जाना है, हमको ए लेना है ना, y belongs to मतलब y a के अंदर, हट जा छोटी हट जाओ उधर हट जा, y belongs to a तो हो रहा लेकिन y b के अंदर belong नहीं कर रहा, और y does not belongs to b, देखो सबको सिर्फ डिटेल करके लिखे, इस लाइन को क्या लिखे, यूनियन को हटा के सिर्फ यहां लिख दिए बस, नेक्स्ट लाइन क्या लिखे, इंटरसेक्शन का मतलब और होता था तो और लिख करके दोनों को लिख दिए, माइनस का मतलब क्या लिखे, मतलब ए माइनस का बी का मतलब ए में बिलोंग कर रहा, ए के अंदर बिलोंग कर रहा लेकिन बी में बिलोंग नहीं कर रहा, इसका मतलब लिख दिए। अब दोनों कंडीशन को ध्यान, हमको लाना क्या था, भैया जी थोड़ा मिटा रहेगी, हमको इस कंडीशन से दिख रहा है कि वह समझना, अब यहाँ पर मेरे एग्जाम्पल को समझना, मेरे पास पांच रुपए के सिक्के हैं और दस रुपए के सिक्के हैं, ठीक है, आप आओगे मेरे पास, आप बोलोगे इस प्यारे से कक्षे में, कक्षा में बोल रहा, कक्षा में जिसके जिसके पास पांच रुपए का सिक्का है वो खड़े हो जाए, तो मैं बोलूंगा मेरे पास तो दस रुपए का सिक्का है, पांच का सिक्का के बारे में कुछ बोलूंगा ही, मेरे पास दस रुपए का सिक्का है, अरे मैं, आप बोलोगे चीख चीख के बोलोगे, अरे मैं बोल रहा दस रुपए से मुझे कोई मतलब नहीं, पांच रुपए का सिक्का है तो खड़ा हो वरना बैठे रहो, मतलब क्या, हमको कोई इससे मतलब नहीं, उसमें कौन कौन मौजूद है, हमको बस मौजूद है इससे y belongs to a है या नहीं है, किसी व्यक्ति के पास y belongs to a है सिर्फ वो देखना, अगर है तो हाँ है, तो ये पास इसके अलावा और कुछ भी रहे हमको उससे मतलब नहीं, हमको बस y belongs to a से मतलब है, हमको चाहिए y belongs to a, क्या इस व्यक्ति के पास y belongs to a है, हाँ यहाँ y belongs to a है, उसके अलावा कुछ और रहे हमको क्या चाहिए उसके अलावा, इस व्यक्ति के पास y belongs to a है, हाँ है, बस यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं फाइनली देयरफॉर y belongs to a, दोनों के पास y belongs to a है, इसलिए हम लोग ओवरऑल कह सकते हैं कि y मेरा a के अंदर belong कर रहा, जब y a के अंदर belong कर रहा अर्थात ये इसका सबसेट हो जाएगा, पहले हम लोग आंसर लेके बैठे हुए थे, बताओ इतना आसान है मैथ, हम लोग पहले आंसर लेके बैठ जाते हैं। भैया जानते हैं एक बात, सारा तो हम सॉल्यूशन कर लिए लेकिन अब जब फिर से देखते हैं इसको, सॉल्यूशन हम ही किए थे क्या, या कोई और आके सॉल्यूशन किया, क्यों घबरा रहे हो आप, बहुत आसान है, अगर एक से दो बार खुद से बना लोगे ना, पहले इसको रफ में बना लेना, अब इसके अनुसार सारा सारा ये फंडा चलने वाला कहां मुश्किल है, सबसे आसान क्वेश्चन है, लेकिन मैं थोड़ा धीरे धीरे पढ़ा रहा इसलिए कि आपको बेहतर ढंग से समझ में आए, मैं मानता कि हाँ हल्का सा है, सोचना समझना पड़ता है इसमें, ये आप खुद से बनाओगे तो मैं आपको ये बना के दे देता, ठीक है, ये स्ट्रक्चर कैसे क्या होगा, ए के स्थान पर ये होने वाला, बी के स्थान पर ये होने वाला, आप खुद से कोशिश करोगे बनाने का तो देखता हूं मैं कि आप बना पाते हो नहीं बना पाते, भैया जी वो सब ना हो जाए, ये सब क्वेश्चन में ऐसा मत कीजिए मेरे साथ, हम डूब जाएंगे, बिना पटवार कर चल रहे हैं अभी,
सहारा तो बस आप ही हो। ऐसे इतना बोलो, इसको उतार लो जल्दी से। ठीक, हम लोग का ये एक नंबर प्रूफ हुआ। अब दो नंबर देखो कैसे प्रूफ होगा। मैं ये बना देता दो नंबर का, बस ये बनाऊंगा, आप इसी को देख करके पूरा का पूरा आज खुद से बना पाओगे सवाल को। मेरा आपको आवश्यकता नहीं पड़ने वाला। अगर एक नंबर को अभी तक मेरे फंडे को समझो ना, मैं बनाने का क्या तरीका है सिर्फ उसको समझ लो, बाकी क्या ही समझना, बाकी कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, चलो ये क्या होगा, बराबर तभी होगा जब ये इसका सबसेट हो जाए ए यूनियन बी माइनस ए, ये सबसेट हो जाए ए यूनियन बी का। ठीक है, फिर उसके बाद जगह कम पड़ा क्या भैया, जब जगह कम पड़ेगा ना बोलिएगा। आज का भाई यहीं पर विराम कर विराम नहीं करना है आज, हम लोग दो और देख लेते हैं, जितना होगा उतना करेंगे, लेकिन करेंगे जरूर। आज हम लोग छोड़ने वाले नहीं है, नेक्स्ट क्लास में जो अगला क्लास होने वाला पूरा कोशिश करेंगे कि ये चैप्टर समाप्त हो जाए, हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बड़ी तीव्र गति से आगे बढ़े। ठीक है, यहाँ देखो इसको सबसेट दिखाना है, इसको इसके सबसेट दिखा देंगे, इसको इसके सबसेट दिखा देंगे, तो मेरा काम बन जाएगा। सिंपल सा वही फंडा अपनाना है, हम लोग मान के चलेंगे कि एक्स जो है इसके अंदर बिलोंग करता है, एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी माइनस ए, मान के चले। अब यहाँ फंडा लगाएंगे, हाँ भैया फंडे तो लगाने हमको ना आवत है, अरे हो जाएगा, इसमें दिखा देंगे ए यूनियन बी में हम दिखा देंगे कि एक्स मेरा बिलोंग करता, अर्थात ये इसका सबसेट हो जाएगा, ए यूनियन बी माइनस ए सबसेट हो जाएगा ए यूनियन बी का। ठीक है, कहीं कोई समस्या तो नहीं होने वाला। अगेन इसमें भी आप वही करोगे, ए यूनियन बी के अंदर वाई को बिलोंग करवाओगे, फिर बाद में यहाँ पर कुछ फंडा लगाओगे। भैया जी फंडा लगा रहे हैं, क्यों परेशान हो रहे हैं। अगेन ये करने के बाद, इस फंडे को लगाने के बाद, ठीक है ये फंडा लगाने के बाद, फिर बाद में हम ये बिलोंग कर देंगे भाई, और ये भाई इसमें भी बिलोंग कर रहा, किस पर है, कहां पर है, वो चक्कर में जब हम है आपके साथ, तो मतलब हम मान के चले कि ये इसमें बिलोंग कर रहा है, बाद में ये प्रूफ हो गया कि इसमें बिलोंग कर रहा है, अर्थात यहां से ये हो गया कि ए यूनियन बी इसका सबसेट हो गया, ए यूनियन देयरफॉर ए यूनियन बी जो है ये सबसेट हो गया ए यूनियन बी माइनस ए। दिख रहा है कोने में भैया जी, अभी सब कुछ हमें दिख रहा है वरना कुछ नहीं दिख रहा, अर्थात यहाँ पर ये दोनों आपस में बराबर हो गए। देख लो हम लोग आंसर लिख चुके हैं, सिंपल सा, ए की जगह पर हम लोग ये मान के चले हैं, बी की जगह पर ये मान के चले हैं। मैंने कहा ना, अगर इससे मतलब पिछला दूसरा क्लास सेकंड, इससे जस्ट पहले का दो क्लास अगर नहीं देखे हो तो सोच लो, समझ में आने वाला नहीं है। स्टार्टिंग में मैंने कहा दिया था, वार्निंग ही दे दिया था, भैया इस क्लास को कंप्लीट कर रहे हो तो पिछला दो क्लास कंप्लीट करना आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। भैया इतनी तेजी से ना बोलिए, समझ में ना आवत है। यहाँ देखो, हाँ देखो अच्छे समझो, बस यही इसका सॉल्यूशन होने वाला दो नंबर का। मैंने पहले सॉल्यूशन लिख दिया क्या, एक और बी के स्थान पर वैल्यू सिर्फ चेंज कर दिए, और ये फंडा हम लोग दो क्लास मतलब पिछले 250 साल से यही पकते मतलब यही बोलते हुए आ रहे हैं, अरे भाई ऐसे कर लो ऐसे कर, 250 साल ये कब हुआ भैया। अरे उधर दिख रहा, मुझे देख लेते हैं कि ना दिख रहा, अरे हल्का सा ना दिख रहा, रुको ठीक है अब दिख रहा होगा, चलो दिख रहा है ना अच्छे से, हाँ जी अच्छे से दिख रहा है। अब मैं छोड़ देता हूँ, ये आपका सॉल्यूशन हो गया है, त्रिग्रम आप खुद लगाओगे, जो लगाना है वो खुद लगाओगे। भैया जी ऐसे ना कीजिए मेरी शायद, हमारे नहीं ये डूब जाए, हमका कुछ समझ में ना आए। मैं ये चाहता कि आप कम से कम एक बार खुद से ट्राई करो, तो हाँ खुद से एक बार ट्राई करो और देखो तो आपसे बनेगा नहीं बनेगा, जानते हैं भैया बनाने का तो हम सब बना दे, लेकिन समझना भी तो चाहिए। देखिए सिद्ध करना है कि ए यूनियन बी माइनस ए ये बराबर है ए यूनियन बी का, ये हमको बराबर दिखाना है। तो इसके लिए क्या करना होगा, पहली बात इसको स्टार्ट करने से पहले हल्का माइंड को फ्रेश करना है, ठीक है फ्रेश करने के बाद तब बैठना, वरना ऐसा नहीं स्ट्रेस नहीं लेना है क्वेश्चन को देख करके। ठीक है, मैंने कहा ना ये पूर्णता आपको एकाग्र करने के लिए क्वेश्चन दिया गया है, आपको कम से कम यहां से फिर से आपको 15 मिनट तक एकाग्र होना है। सोच लो 15 मिनट एकाग्र होने के लिए जो करना करे करना पड़े आप कर सकते हो, मतलब पानी पीना जाओ पानी पहले पी लो, लेकिन जब बैठोगे 15 मिनट तक आपको लेना नहीं है, अब आपको 15 मिनट तक कंटिन्यू ट्राई करते रहना है। यहाँ ध्यान दो, इसको इसके सबसेट दिखाना है, दिखाते हैं ए यूनियन बी माइनस ए, मेरा सबसेट हो गया ए यूनियन बी का, फिर इसको इसके सबसेट दिखाना है ए यूनियन बी, मेरा सबसेट हो गया ए यूनियन बी माइनस ए। भैया जी एक बात सब कुछ बताएं आप, ए यूनियन बी इसको ड्रॉ करेगा पता है आपको, हम इसका आपको बेन आरेख बताते, ए यूनियन बी माइनस ए मतलब ए और बी माइनस ए दोनों को मिला दे क्या बनेगा, सोचो तो ये बी माइनस सॉरी 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 ये क्या कर रहा है, देखो b माइनस ए कौन सा एलिमेंट हुआ, ये हो गया, ये जगह b माइनस ए कहलाया और a मेरा ये पूरा कहलाएगा, हाँ भैया जब दोनों को मिला देंगे तो ये क्या कहलाएगा, a यूनियन b ही कहलाएगा ना, ये बिल्कुल मेरा जो है करेक्ट है, देखने से ही लग रहा है ये क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा।
इसको माइंड में रिकैप करते चलो वेन आरिफ के आधार पर। आपके पास एक ही सहारा है वेन आरिफ, उसको समझ, उसको लेके चलोगे सब कुछ समझ में आएगा। अगर नहीं लेके चलोगे कुछ समझ में नहीं आने वाला, इसको समझ के चलना है, ठीक है। अब हम लोग इसका देखेंगे, अरे तू कहां से आ गया, मतलब इसका उत्पत्ति देखने के लिए हम लोग चाह रहे हैं। पहले सारा सारा आंसर इसका लिख लेते। भैया एक बात बोलिए, हमको वहां से छापना ही था तो हम लोग क्यों इसको लिखे, उसी में आंसर लिख देते। क्या कर रहे हो आप, परेशान, मुझे परेशान कर रहे हो। पहला मानना है हमको x belongs to क्या है, a union b minus a। भैया सुनिए ना, उसी में लिख दीजिए आंसर, इधर क्यों लिखिएगा इतना सारा। हाँ ठीक है, आप इसी में लगा दीजिए ना यहाँ ध्यान दो, उसी में लगा दीजिए। हाँ लिखे हैं, रहने दो उसको, ठीक है। इसका मतलब ये इसका सब्जेक्ट हो जाएगा। बताओ तिग्रम क्या लगाओगे, हाँ क्या लगाओगे तिग्रम। भैया जी ना, हम ना लगाए तिग्रम, आप बताइए, उतना हम दिमाग ना लगाया, यहाँ ध्यान दो, ना लगाया ना लगाया। हाँ हम ये मान के चले हैं कि x मेरा इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, ठीक है, ये मान के चले हुए हैं। अब हमको यहाँ पर बहुत सारा दिमाग लगा कर अपना, बहुत सारा नहीं थोड़ा मोड़ा दिमाग लगा, थोड़ा मोड़ा ही दिमाग लगाना है, उसको लगा करके यहाँ पर कुछ ऐसा ला देना है कि x मेरा a यूनियन b के अंदर बिलोंग करना चाहिए। जैसे बिलोंग होगा ये इसका सबसेट हो जाने वाला। सब कुछ आंसर लिख दिया है, आपके सामने आंसर लिखा हुआ है, दो तीन लाइन मैंने नहीं लिखा। यही तो सबसे बड़ा गलती की भैया अपने, दो तीन लाइन क्यों नहीं लिखा, उसको भी लिख देते कितना अच्छा रहता। सुनिएगा ध्यानपूर्वक सुनिएगा, सब बातें अच्छे समझ में आएंगी। देखो मैंने पहले ही कहा था चैप्टर स्टार्ट होने से पहले ही, अरे आप जगह आसान लग रहा है, आने दो विविध को आने दो, वहां पता चलेगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, पता चल नहीं रहा होगा। मैं पूरी कोशिश कर रहा कि आपको पूर्णतः समझ में आए, अपने तरफ से मैं 100% देने का प्रयास कर रहा हूँ, भले ही 100 से कम हो जाए वो ईश्वर की इच्छा, लेकिन मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझ में आए। अगर नहीं समझ में आ रहा फिर भी पूछो मुझसे आकर के, मैं बताऊंगा, ठीक है। ऐसा नहीं भैया नहीं बताएंगे, वो मत सोचना, मैं बताऊंगा, पूर्णतः मैं बताने वाला। आप बस इतना प्रयास करो कि मैंने कहा है दो तीन लाइन, बस सोचो। देखो यहाँ पर और कुछ नहीं, क्वेश्चन बहुत छोटा है, सिर्फ सोच बहुत बड़ा है। जहां पर सोच बड़ी होती है ना, उसी में क्षमता होता है कुछ कर दिखाने का। इसलिए मैं कह रहा अपनी सोच को उन्नत रखो, हमेशा उन्नत रखो, कर्म और सोच दोनों साथ साथ लेके चलना है। सोच सही रखना है अपना, उन्नत रखना है अपना, बस यहाँ पर सोचना ही तो है आपको। चलो देखो, एक्स मेरा ए यूनियन बी माइनस ए में बिलोंग कर रहा। यूनियन का मतलब क्या होता है, ठीक है, एक बात समझ के चलना है। यूनियन को हम लोग या के फॉर्म में लिख सकते, जैसे या लिखेंगे दो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। दोनों फॉर्म में हमको ये देखना है कि एक्स मेरा ए यूनियन बी में बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। मन में पहले सोच लिया कैसे कैसे बनेगा, सिर्फ देखने मात्र से समझ में आ गया क्या क्या होने वाला। मतलब हम लोग यूनियन को क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर एक्स बिलोंग्स टू ए, यूनियन को या लिख दिए, फिर से एक्स बिलोंग्स टू बी माइनस ए, वही सेम टू सेम फंडा करना है जो हम लोग इससे पहले ही करते आ रहे हैं, बस हो गया काम। अब देखो कोई एलिमेंट हमको ए यूनियन बी लाना है, मन में सोच के चलना है हमको ए यूनियन बी के पास पहुंचना है, यहाँ ए दिया होगा। हम लोग बोल सकते हैं अगर कोई एलिमेंट, सोच लो हमको किसी भी तरह पहुंचना है ना यूनियन बी के पास, अगर कोई एलिमेंट ए के अंदर बिलोंग कर रहा है तो हम बोल सकते हैं कि पूरे के पूरे ए यूनियन बी में बिलोंग करेगा, बिल्कुल बोल सकते हैं। मैंने इसका एग्जांपल भी दिया था, अगर ये मार के मेरे हाथ में बिलोंग कर रहा था तो ये मेरे पूरे शरीर में, मतलब पूरे शरीर के किसी एक हिस्से में, बिल्कुल सही। अर्थात यहाँ हम बोल सकते हैं क्या, देयरफॉर एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, बिल्कुल बोल सकते हैं। अगर ए में बिलोंग कर रहा है तो यूनियन बी में भी बिलोंग करेगा, यहाँ पर यह हो गया, ठीक। अब बी माइनस ए की बात हो रही है, बी माइनस ए मतलब क्या हुआ, समझो एक्स कहाँ बिलोंग कर रहा है भाई छोटे, समझो बी माइनस ए मतलब यहाँ पर बिलोंग कर रहा है ना, इस एलिमेंट इस जगह पर एक्स मेरा बिलोंग कर रहा। हम लोग बोल सकते हैं कि पूरे पूरे ए यूनियन बी में बिलोंग कर रहा, बिल्कुल बोल सकते हैं, इसमें क्यों नहीं बोल सकते, आराम से बोल सकते हैं। यही बोल सकते हैं आपकी एक्स मेरा जो है बिलोंग्स टू बी और एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ये बोल सकते हैं। फिर एक्स बिलोंग्स टू बी को अगर बी में एलिमेंट बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी में बिलोंग करेगा, ये बोल सकते हैं ना। हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे या एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, ये बोल सकते हैं। अगर बी माइनस ए में बिलोंग करा तो ए यूनियन बी में भी बिलोंग करेगा, हाँ भैया बिलोंग करेगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, बिलोंग करेगा, दोनों में ए यूनियन बी में बिलोंग कर रहा, अर्थात x मेरा ए यूनियन बी में बिलोंग कर रहा, देयरफॉर x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, बन गया। बस हमको किसी भी तरह ए यूनियन बी में बिलोंग करवाना था। भैया जी आज हम एक बात समझ गए, इस चैप्टर में जो हमको तिग्रम लगाना होता है ना, जो निकालना होता है सिर्फ उसको सोच के किसी भी तरह कर देना। अरे नहीं हम किसी भी तरह कहाँ किए, सिर्फ सोचे समझे और इसको आप यहाँ पर लगाए, थोड़े हम कुछ भी कर दिए, बिल्कुल नहीं, ऐसा मत बिल्कुल मत सोचना कि बीच में हमको कुछ भी करके आंसर बढ़ा देना, वो मत सोचा, लेकिन हाँ हल्का हल्का सोच के चलना, ठीक है। देखो यहाँ पर हम अपने मस्तिष्क का अच्छे तरीके से प्रयोग करते हुए कुछ भी करके यहाँ पर ए यूनियन बी लेते हैं। यदि ऐसे मत करिए फिर आप
सोच लीजिए हम क्या क्या दिमाग लगा सकते हैं। यहाँ पर एक और दिमाग आप लगा सकते हो भैया, बस छोड़ दीजिए, अधिक मत, मैं बता ही देता। इसका एक और तरीका बनता है, फॉर्मूला का तरीका, बोलना मैं बता दूंगा उस तरीके से भी, ठीक है? अगर आप चाहोगे तो मैं वो भी सिखा सकता, पहले ये सीख लो फिर वो भी सिखाऊंगा, ठीक? चलो यहाँ ध्यान दो, हम ऐसा ही बोल सकते x belongs to b और x does not belongs to a, यही बोल सकते। फिर हम लोग बोलेंगे कि x belongs to a union b। प्लीज ध्यान दो, जो था वो ध्यान दो, आप जो है और कंफ्यूज हो गए उसी पर सिंपल ही रहने देते हैं कि x belongs to a union b। ज्यादा आपको हम परेशान नहीं करेंगे ना, परेशान करेंगे अभी आ रहा है चैप्टर टू। भैया जी यूं मत डराइए हमको, चैप्टर टू तो कितना प्यारा प्यारा चैप्टर है, दुलारा चैप्टर है, नन्हा मुन्ना चैप्टर है, कोई नहीं आप परेशान मत होना, वो भी चैप्टर बहुत आसान है, इसी तरह आसान वो भी चैप्टर। भैया जी क्या बोले फिर से बोलिएगा, इसी की तरह है, अभी नहीं मतलब अंतिम में है इसी तरह, स्टार्टिंग में तो बहुत आसान है, बहुत हल्का है स्टार्टिंग में। देखो हमको जो है सेम वही करना है, फिर से मान के चलेंगे लेट वाई बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, यहाँ त्रिकोण लगाएंगे। इस बार मैं त्रिकोण मतलब ये त्रिकोण नहीं लगाने वाला, ये फंडा आपको लगाना है, क्या है वाई बिलोंग्स टू, या पहले आप आंसर ले देते हैं, ये गलत बात ना, पता है ना पहले आंसर लिख देते हैं तो कितना अपराध कर रहे हैं आप। अब बच्चा कैसे जानेगा, वो तो छाप लेगा पूरा का पूरा, बच्चा तो छापेगा हम भी छाप लेंगे, कौन अब फिर से दिमाग लगा। भैया जी ये आपसे उम्मीद मुझे नहीं था, ध्यान ध्यान, हाँ पूरा का पूरा हम वहां से यहाँ पर अपने अपने मस्तिष्क के प्रयोग द्वारा नहीं नहीं छाप के बना, जो क्लियर करना चाहती है इसको वहां से छाप लिए। भैया जी ये अच्छा नहीं किए, आप छाप लिए हम भी छापेंगे, अब हम तिक्रम सब नहीं लगाने वाले, आप छापे हम भी छापेंगे, जल्दी लगा मैं बताने नहीं वाला, इसको जल्दी से बना के दिखाओ। वाई अगर ए यूनियन बी में बिलोंग कर रहा, अगर वाई मेरा ए यूनियन बी में बिलोंग कर रहा आपको ये दिखाना है, बस इतना सा काम दिखाना है। छोड़िए भैया जी अब हमको नहीं बनाना, हमको पता है आप कुछ ना कुछ करके ला ही दीजिएगा। अब बोलिएगा भैया अब मैं अब आप क्या बोलोगे, ना आप बनाओ, आप बनाओ इसको। भैया सुनिए सुनिए आप बना ही देते हैं, इतना आप रिक्वेस्ट डाल रहे हैं मेरे ऊपर, बना ही देते हैं। हमको जो है यहाँ पर यूनियन लाना था, जब यूनियन लाना था तो हम क्या करेंगे, इसको यूनियन के फॉर्म में लाने के लिए या के फॉर्म में लिखना है। अब या के फॉर्म में लिखना है तो बहुत देर सोचने के बाद, लाखों हजारों साल सोचने के बाद हम ये जाने यहाँ पर यूनियन अर्थात इसको या के रूप में अलग कर सकते हैं, वाई बिलोंग्स टू ए या वाई बिलोंग्स टू बी, मतलब बहुत सोचने के बाद हम ये जाने कि यूनियन को या के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे या के फॉर्म में लिखिए मतलब यूनियन तो आ गया, हमको इस प्रकार सिर्फ ए को रखना था, यहाँ ए मेरा पहले से भी है और यहाँ पर बी माइनस ए रखना था, बी पहले से ए नहीं है, हम सोचेंगे कि y मेरा b के अंदर बिलोंग कर रहा। अब बोल देंगे कि सिर्फ y मेरा जो b सॉरी b एलिमेंट है ना भैया, मेरा y b के अंदर बिलोंग कर रहा, हम ये बोल दीजिए y a के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा। जैसे ये बोल देंगे कि y मेरा a के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा तो मेरा y b माइनस a के अंदर बिलोंग कर जाएगा, जो हमको लाना है, ठीक है? और बोलेंगे भैया ये गलत है बात, अगर जो लाना है आप वही कर दिए, यहाँ पर आप अपने मन से लिख दीजिएगा y बिलोंग टू b और y डज नॉट बिलोंग टू a, अपने मन से कहा ही लिखिएगा क्योंकि इसका एक पार्ट इधर लिखा हुआ है ना भैया, यहाँ पर देखिए। अरे तुम तो हमसे भी समझदार हो गया, मतलब यहाँ y belongs to a था, मतलब y a में belong कर रहा था, हमको वो कंडीशन लेना था जिसमें y a में belong नहीं करे, तो आप अपने मन से चल गए, बहुत अच्छा, इसी तरह का सोच रखना है। हमको दो कंडीशन में तोड़ना था, यहाँ पर एक कंडीशन दिया वही है y belongs to a, तो दूसरा कंडीशन ले लेते हैं y does not belongs to a, ठीक बहुत अच्छा, इसी तरह का सोच रखो तो जल्दी जल्दी आप जो है ना जहाँ प्रूफ करना है वहां तक पहुंच पाओगे। यहाँ ध्यान दो इसको देखने का प्रयास करो, ठीक है? हाँ तो चलिए सॉल्व करो इसको। तो भैया सुनिए आगे सुनिए, मेरा y b के अंदर बिलोंग कर रहा लेकिन a में बिलोंग नहीं कर रहा, इसको हम बोल सकते हैं y belongs to b minus a, और यही तो हमको यहाँ निकालना था, यही हमको निकालना था, क्या निकालना था कि y belongs to a या y dash y belongs to b minus a, मेरा दोनों निकल गया, इसको हम लोग कह सकते हैं y belongs to a union b minus a, बस यही प्रूफ करना था, मेरा प्रूफ हो गया, बता बोलिए भैया, मतलब बहुत अच्छा प्रयास किया हुआ। आपने प्रयास किया कि नहीं, या फिर सिर्फ आपने देख लिया मतलब कैसे कैसे क्या बना, अलग बात, मुझे लगा आप प्रयास किए होगे, पूर्णतः विश्वास है कि आपने प्रयास किया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ये समझ में आया यहाँ पर y does not belongs to a क्यों लिए, क्योंकि यहाँ पहले देख चुके थे, मतलब यहाँ पहले लेके चले थे y belongs to a, और यहाँ y belongs to b दिया हुआ था, हमको b minus a लाना था और यहाँ पर हमको does not belongs to a चाहिए था, तो आराम से लेते हैं y does not belongs to a because यहाँ पर y belongs to a कंडीशन हम लोग पहले लेके चले थे। मेरे ख्याल से समझ गए होंगे आप, चलो सब कुछ छाप लिए इसको, नीचे वाला कहीं छापे हो, हाँ अच्छा अच्छा है भैया इसी तरह छापिए आप, ठीक यहाँ ध्यान दो छापिए, ये जरा आपस बराबर हो जाएगा, ठीक a यूनियन b माइनस a बराबर a यूनियन b। चल मेरे ख्याल से ये सारा सारा क्वेश्चन बड़े ही आसानी से आपसे बन चुका होगा। इसका एक और तरीका होता है, बन गया ना, इसका एक और तरीका होता है जहां पर दो तीन फॉर्मूले ध्यान में रखने होते हैं आपको, वो मैं अभी नहीं बताऊंगा,
आप आओगे मैं उसे मैं बता दूंगा, अगर आप चाहोगे समझना तो वो फॉर्मूला क्या होता है। पहले फॉर्मूला देखो, अगर बी माइनस ए है तो आपको ध्यान में रखना होगा कि बी माइनस ए का ये फॉर्मूला, ये मैंने बताया हुआ है आपको पहली बात, नहीं बताया क्या? क्या बता मुझे, क्या बता? समझो ये बी है, ये बोलेंगे बी माइनस ए तो ये टर्म हो गया, ठीक है। अब बी माइनस ए को क्या हम लोग लिख सकते हैं? एक बात, क्या हम बताए थे ऐसा आपको, ये हम फॉर्मूला बताए थे आपको? मुझे याद नहीं आ रहा हमने बताया कि नहीं बताया। मैंने ऐसा फॉर्मूला बताया है कि बी माइनस ए का फॉर्मूला बी इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए डैश, मैंने बताया है, याद करो तुम, बताया कि नहीं बताया, जल्दी बताओ मुझे। मैंने ये फॉर्मूला बताया है आपको, सोचो, और मुझे ध्यान नहीं आ रहा मैंने बताया नहीं बताया, शायद बताया होगा। अगर बताया है तो मैं यहाँ पर आपको सिंपल सा, यहाँ देखा ए माइनस बी, वहां पर फॉर्मूला पुट करना, ये आसानी से ए के बराबर प्रूफ हो जाएगा। मैं बता देता एक बार, ठीक है, अगर मैंने बताया होगा तो उसको समझ लेना है, अगर नहीं बताया होगा ना उसको छोड़ के यही मेथड रखना है आपको, ठीक। मुझे लगता है कि मैंने बताया, लेकिन शायद आपको बताया या फिर किसी और को, नहीं शायद नहीं बताया। देख मैं फिर भी बताने का प्रयास करता हूँ, अगर समझ में आ गया तो ठीक है, वरना टाटा बाय बाय सी यू, मिलते हैं इस मेथड को अगले क्लास में। तो वैसे यही बोल देना है आपको, ठीक है, इसको प्रूव करना है ना। हम लोग आर एच एस लेके चलेंगे, क्या लिख चलेंगे? आर एच एस, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी है। यहाँ पर एक प्यारा सा फॉर्मूला होगा, ए माइनस बी का फॉर्मूला होता ए इंटरसेक्शन बी डैश होता, ठीक है। आराम से हम लोग क्या करेंगे, इसकी जगह पर ए इंटरसेक्शन बी डैश रख देंगे। यहाँ के बाद अगर आपको देखना है इस तरह देखना कि अभी हमको इसके बारे में सिर्फ देख लेना है, और अगर समझ में नहीं आएगा तो मैं ऑफलाइन मतलब आपको उसी वक्त बताने वाला, अगर समझ में अभी नहीं आएगा तो। और एक बात, थोड़ा सा फ्रेश हो जाओ, मैं बार बार कह रहा, थोड़ा फ्रेश हो, बीच में उठ जाओ फिर बैठ जाओ, मतलब लगातार कंटिन्यू इस क्लास को नहीं देखना है, लगातार जो तीन क्लास चलाए ना उसको कंटिन्यू नहीं देखना है आपको, रुक रुक के देखना है, फ्रेश होकर देखना। एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ फ्रेश हो जाओ, फिर एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ फिर फ्रेश हो जाओ, इस अंतराल पर आपको देखना है, ठीक है। अब देखो ए माइनस बी का फॉर्मूला ये होता है, ये कैसे फॉर्मूला हुआ इसको बिना आरेख से आप समझ सकते हो। ए इंटरसेक्शन बी डैश, तो समझिए ए इंटरसेक्शन बी डैश बोला गया, अर्थात कौन सा एरिया होगा, बी डैश मतलब बाहर बाहर, ये एरिया मेरा ए इंटरसेक्शन बी डैश होगा, और इसी को हम लोग ए माइनस बी भी कहते हैं। बिना आरेख पर खुद से ये इजाद करोगे कैसे कैसे क्या होगा, अर्थात ए माइनस बी की जगह पर हम लोग ए इंटरसेक्शन बी डैश लिख लिए, अब जो था उसको हूबहू लिख देंगे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन। अब जानोगे आप क्या, अब हम लोग ये पढ़े हुए हैं ए गुना बी प्लस ए गुना बी डैश, तो क्या करते हैं, यहाँ पर ए गुना है यहाँ पर ए गुना है, दोनों से ए गुना कॉमन आता है, अंदर में बी प्लस बी डैश आता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, अरे नहीं पढ़े हो, दो गुना तीन प्लस दो गुना चार, दो गुना यहाँ पर है दो गुना यहाँ पर है, दोनों से दो गुना आ गया कॉमन, अंदर में बचा तीन प्लस चार, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सेम वही फंडा, यहाँ पर दोनों में ये आ गया ए इंटरसेक्शन, दोनों से हम लोग ए इंटरसेक्शन कॉमन ले लिए, बच गया बी यूनियन बी डैश बच गया। देख रहे हो कितना आसान हो रहा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा, ये फॉर्मूले को बगल में लिख लो अगर समझ में नहीं आएगा तो, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी बराबर होता है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये फॉर्मूला है ए इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मूला है, इस दोनों से कॉमन आ गया, अब बी यूनियन सी आ गया होगा, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ ध्यान दो बी यूनियन बी डैश क्या होता है, एक ग्राफ बनाकर देख समझने का प्रयास करो, अब बी यूनियन बी डैश क्या होता है उसको देख, मतलब बी ए है बी ए है बी और बी डैश में ये पूरा बी है, ठीक है, और ये पूरा बी डैश है बार बार, ठीक है, बी और बी डैश में यूनियन क्या होगा, ये यूनियन की बात करें वो मैं यूनिवर्सल सेट के बराबर हो जाएगा, मेरा पूरा पूरा यूनिवर्सल सेट बन रहा है, ये बी और बी डैश मिलकर पूरा यूनिवर्सल सेट बन रहा है, ये सब समझ में नहीं आएगा पूछना है छोटे, अर्थात ए इंटरसेक्शन इसको बोल सकते हैं यू, और ए फिर इसको ग्राफ पर देखो आप, ये ए है ये यू है, मतलब ये क्या कर रहा है छोड़ो, ये यू है, बोला गया ए और पूरे के पूरे यू में इंटरसेक्शन कौन हो रहा है, तो बोलोगे भैया ए और पूरा का पूरा यू में इंटरसेक्शन कौन हो रहा है, सिर्फ ए हो रहा है, दोनों में कॉमन पार्ट ए आ रहा है, हाँ यहाँ से ए मेरा कॉमन पार्ट आ गया, ए इंटरसेक्शन यू बराबर ए, मैं ही प्रूफ हो गया, बस ये चार लाइन का प्रूफ था, लेकिन इस चार लाइन में हर एक स्टेप में इतना सारा फॉर्मूला छिपा हुआ था ना, जिसको देख करके आप बोलोगे अरे भाई साहब ये था, हाँ पता नहीं भैया ये सब क्या कर दिया, कुछ समझ में नहीं आया, पढ़ लेना पड़ा,
अगर ऐसा मन में लग रहा है तो आगे पूछ लेना, मैं बता दूंगा। इसमें बहुत सारा फॉर्मूला है, इसलिए इस मेथड को हम लोग नहीं लिए, वही प्यारा सा मेथड लिए थे जो हम लोग सिंपल सा सब में एक जैसा फॉर्मूला लगा था उसी को हम लोग लेके बार बार चल रहे थे। उसी तरह इसको भी बना सकते हो, ये भी बहुत आसान है, उसको हम लोग सीख ही लेते हैं इस मेथड से। इसको मैं मिटाता हूँ और हम लोग अगले मेथड का प्रयोग करते हैं। भैया जी एक क्वेश्चन को एक मेथड से ज्यादा में नहीं बताया कीजिए, वरना हम परेशान हो जाते हैं, बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये बेहद आसान था, 4-5 लाइन का था और मुझे लगा बता देना ठीक रहेगा, क्या पता भविष्य में तो काम आएगा ही। अगर आप बच रहे हो ना, अच्छी से पढ़ाई करोगे तो काम बहुत आने वाला। ए यूनियन बी माइनस ए है, ठीक। अब यहाँ पे आर एच एस दिया हुआ, क्या होगा छोटे, ठीक, आर एच एस दिया हुआ, हम आर एच एस कहते हैं, एल एच एस है ये। भैया जी अब आप 10 मिनट के लिए जाइए, थोड़ा फ्रेस होके आइए, लग रहा है कि आप थोड़ा ज्यादा मतलब यहाँ ध्यान दो, कोई नहीं, मुझे फ्रेश नहीं रहा, मैं कंटिन्यू चलते रहूंगा, बस आपको बीच में फ्रेश हो जाना है, ठीक है। फ्रेश हो जाओगे तो माइंड एकाग्र कर पाओगे। कंटिन्यू यहाँ से होता क्या, कंटिन्यू एक घंटे तक एकाग्र नहीं रह पाता, इधर बोलना उधर बोलना, और आप में भी यही होगा, ठीक है। आप तो 10-15 मिनट के बाद सोचोगे क्या सोच रहे थे, ध्यान भटक जाता होगा, लेकिन आपको ध्यान नहीं भटकाना, एक जगह एकाग्र रखना है। ए यूनियन बी माइनस ए, सिंपल सा वही फॉर्मूला है, बी माइनस ए क्या होता, माइनस को हम लोग इंटरसेक्शन कहते, फिर ए का ए डैश हो जाएगा, ये सिंपल सा फॉर्मूला हुआ करता था। हाँ जी, तो यहाँ पर इसको हम लोग ले देंगे बी इंटरसेक्शन ए डैश, यूनियन का पहले से, ए का पहले से, ठीक है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इसको अलग अलग करेंगे, ए यूनियन को इसके साथ और इसके साथ ले जाएंगे, ठीक है। मतलब फॉर्मूला है ए यूनियन बी हो गया इंटरसेक्शन ए यूनियन ए डैश हो गया। सोचो ना, इसका एक बार इस बी के साथ लिख लिए, फिर इंटरसेक्शन का इंटरसेक्शन, फिर ए यूनियन का ए डैश के साथ लिख लिए, देख रहे हो, ध्यान पूर्वक समझो। यहाँ गुना है, यहाँ घटा है, ए गुना बी माइनस ए गुना ए डैश, बस यही चल रहा है फंडा, ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। अब इस ये भी दम तोड़ दिया लगता है, मतलब मार्कर नहीं, भी चलेगा, भी चलेगा, चलेगा, अभी मेरा मार्कर चलेगा। अब देखो यहाँ पर ए यूनियन बी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन ए डैश क्या होगा, आप सोचो, ये ए है और ये ए डैश पूरा हो गया, ए और ए डैश का यूनियन क्या होगा भैया, यू हो जाए, तो यहां यू हो गया। अब इस दोनों में सॉरी ये क्या है, ए यूनियन ए डैश, ठीक है, बी माइनस ए को हम लोग बी इंटरसेक्शन ए डैश लिखते, ठीक, ए यूनियन बी यहां आ गया, ओके, और ए यूनियन ए डैश यहां आ गया, ए यूनियन बी यहाँ आ गया, ठीक, इंटरसेक्शन है, ठीक, बहुत अच्छा, हम बोला कहीं गलती तो नहीं कर दिए, देख रहे हो, हमें जब ऐसा लग रहा है कहीं गलती स्टेप तो नहीं हो गया, तो आपके साथ क्या होता होगा, भगवान जाने। ए यूनियन बी और यू दोनों में कॉमन पार्ट कौन आएगा, सोचो, हर बात में सोचना है, मैंने ऐसा तो नहीं, मैं बेवजह इस रूल को लेते आया, मतलब बताना नहीं था क्या इसको, इस मेथड को, अगर ये सोच रहे हो तो स्किप कर देना, ठीक। यू मेरा पूरा का पूरा ये एरिया हो गया, उसमें ए यूनियन बी यहाँ से यहाँ तक आ गया, ठीक, ये ए बी, ए यूनियन बी हो गया, बोला गया ए यूनियन बी और यू में कॉमन एरिया कौन सा, यही कॉमन एरिया है, अर्थात ए यूनियन बी ही हो जाएगा। यहां से मेरा प्रूफ हो गया, 4 लाइन का प्रूफ था, इसको हम लोग इतने लंबे चौड़े में पढ़ रहे थे, पता कितना आसान प्रूफ था। चलो 8 नंबर कंप्लीट हो गया, समय कितना हुआ, समय बस एक क्वेश्चन इतना समय। अब यहां से थोड़ा देर के लिए आप थोड़ा शांत हो जाओ, घूमो फिरो, हम लोग फिर से कुछ क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद का क्वेश्चन बहुत आसान होने वाला है, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन उतार लेता, इसके बाद क्वेश्चन तभी आपको देखना है जब थोड़ा जाकर पानी पी लोगे या अगले दिन आपको देखना है, लेकिन मैं इसी लेक्चर में बताने वाला, ठीक है, मुझे इस लेक्चर को मतलब इस विविध को जो है आपका कल तक में कंप्लीट कर देना है, ओके। चलो मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ, देख लो एक बात, मैं पहले बता देता आपको, बेशक आपको इसे पहले वाले क्वेश्चन को करने में समय बहुत ज्यादा लग गया, लेकिन वो क्वेश्चन भी अच्छे लेवल का था। अब जो 15 मिनट और क्लास चलने वाला यहां से, और 15 मिनट में हम लोग लगभग ढेर सारे क्वेश्चन को तो नहीं, तो दो कम से कम दो क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आसान होने वाला है, इसलिए मैं कहता कम से कम जाओ, थोड़ा फ्रेश हो जाओ, पानी पी लो, उसके बाद 15 मिनट के लिए और आपको समय देना है, बस 15 मिनट और आपको समय देना है, तभी कल तक में क्लास ये चैप्टर कंप्लीट हो पाएगा, वरना एक और हमको लेक्चर उठाना पड़ेगा, एक और दिन हमको समय देना पड़ेगा इसमें, इसलिए मैं कह रहा आराम से 15 मिनट के बाद आप माइंड को फ्री कर सकते हो, लेकिन अभी तत्काल 15 मिनट तक पूरा कंसंट्रेट रखना है। इस क्वेश्चन को करने से पहले आप ये जान लो पी ए और ए क्या है, समझो, समझना, जो मैं यहाँ लिख रहा ना वही मैंने इसको बनाने के लिए, मान लो ए है, ए के अंदर एलिमेंट हम ले लिए एक्स और वाई, ठीक है, ए के अंदर एलिमेंट आ गया। अब मैं कहूंगा मेरे प्यारे भाई पी ए के अंदर मतलब पावर सेट ऑफ ए के अंदर कौन कौन सा एलिमेंट होने वाला, तो तुरंत आप बोलोगे मेरे प्यारे भैया इसके अंदर इसका सबसेट होने वाला,
कितना सबसेट आप इसका निकाल सकते हो, मतलब पहला सबसेट हुआ फाइव निकाल सकते, अब दूसरा सबसेट हुआ एक्स निकाल सकते, वाई निकाल सकते, फिर एक्स कोमा वाई निकाल सकते। ये सब एलिमेंट पावर सेट ऑफ ए के अंदर होने वाला है, ठीक। सेम वही फंडा होने वाला बी के साथ, ठीक है। मतलब बी के अंदर कौन कौन सा एलिमेंट होगा, मान लो बी के अंदर जो है आपका एक्स वाई, बी के अंदर भी एक्स वाई, नहीं एक्स वाई नहीं लेंगे, बी के अंदर हम ले लेते हैं वाई जेड, दोनों तो पढ़ना दोनों बराबर हो जाएगा ना, वैसे भी ये बराबर बी प्रूफ करना है हमें, ठीक है। अगर पावर सेट ऑफ ए, ये पावर सेट ऑफ ए और पावर सेट ऑफ बी बराबर है तो ए बराबर बी प्रूफ, लो हम लोग सेम ही ले लेते हैं, बी का मान भी एक्स कमा वाई ही ले लिए, ठीक। तो पावर सेट ऑफ बी के अंदर कौन कौन सा एलिमेंट, सेम वही होने वाला एलिमेंट, इसको छोड़ो। ये समझ में आया, अगर ये नहीं समझे हो ना तब आगे समझ में नहीं आएगा, इसको समझ लिए हो तो आगे आसानी से समझ जाओगे। अगर ए के अंदर एक्स कोमा वाई एलिमेंट है तो पावर सेट ऑफ ए के अंदर इसका जितना सबसेट हो सकता है टोटल एलिमेंट इस पावर सेट ऑफ ए के अंदर होने वाला। अब यहां तक समझ में आ गया, पिछला दो क्लास समझ में आ गया है, अभी तुरंत हम लोग दो सेट को बराबर करने का तरीका सीखे हुए। कब मेरा दो सेट बराबर होता है बताओगे, कब मेरा दो सेट बराबर होता, जब हमारा ए सबसेट ऑफ बी हो जाए और बी सबसेट ऑफ ए हो जाए, तो मेरा दोनों सेट आपस में बराबर होगा। ये बताओ, ये समझे, अगर ये नहीं समझे हो ना तो समझ लो इससे पहले का दूसरा क्लास जो है ना वो अच्छे से नहीं समझ में आया, जाना है उस क्लास को कंप्लीट करना है, और मुझे पूर्णता विश्वास है अब तो ये याद हो चुका होगा आपको, जितना इसको हम लोग बनाए ही है ना, इतना बनाया है कि ये आपको याद हो चुका होगा। अब मान लेंगे कोई एक्स एलिमेंट जो ए के अंदर बिलोंग करता है, अब हम लोग कुछ यहाँ फंडा अपनाएंगे और ये दिखा देंगे कि वाई मेरा बी के अंदर बिलोंग करता है, उस कंडीशन में ए सबसेट ऑफ बी हो जाएगा, देख लो कितना आसान बनता। सेम वही फंडा उधर होने वाला, हम लोग मान के चलेंगे कि y मेरा b के अंदर बिलोंग करता, यहाँ पर कुछ अपना त्रिकोण लगाएंगे और y बिलोंग करवा देंगे a में, तो b सबसेट ऑफ a हो जाएगा। बस ये दोनों सबसेट हो गया तो मेरा a बराबर b निकल जाएगा। बहुत प्यारा रिजल्ट है, मेरे ख्याल से मार्कर अपना दम तोड़ दिया, आखिरी दम, इसमें इंक डालना होगा तो रुकिए आप कुछ देर, इसको बनाने का खुद से प्रयास करोगे तो यहाँ पर आंसर दिया हुआ है आपका, बस त्रिकोण लगाने का प्रयास करोगे, तब तक हम मार्कर में क्या कहें इंक डालते हैं। चलिए जी, चलो जी, आपका आपने ट्राई जरूर किया होगा और आपको ये समझ में भी आया होगा इसकी जगह पर क्या लिखना है, लेकिन मतलब बताओ बताना है भैया, बता ही दीजिए ना, वैसे भी एक बार मिला लेंगे ना, तुरंत 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 अब समझना है। जैसा कि मेरे पास पहले से यहाँ सॉल्यूशन आ चुका है, ये हम लोग जान चुके, सब चाहे कोई सा भी क्वेश्चन रहे हमको सेट को बराबर दिखाना होगा, तो सब जगह हम लोग इसी फंडे का प्रयोग करते हैं। मेरे पास सारा का सारा आंसर में यही टर्म आने वाला है, सिर्फ यहाँ पर जो तीन लाइन है वो आपको चेंज करना है, सिर्फ तीन लाइन चेंज करो हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। मैंने बार बार बताया है कोई भी दो सेट बराबर दिखाना होगा, सब में यही काम करना है, सिर्फ आपको यहाँ पर तीन स्टेप चेंज करना है, बस चेंज करेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो चेंज कर लेते हैं। यहाँ ध्यान दो, पहले लिखेंगे दिया हुआ है, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है हमको, हमको दिया हुआ है पी ए जो है वो बराबर है पी बी के, हमको सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, एक काम करते हैं सिद्ध, चलिए सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि ए बराबर बी होगा। अब ए बराबर बी दिखाने का क्या क्या तरीका है, मेरा पहला काम रहेगा कि ए सबसेट ऑफ बी दिखाना और दूसरा काम रहेगा बी सबसेट ऑफ ए दिखाना। ऐसा हम लोग ढेर सारे क्वेश्चन को कंप्लीट किए हुए, ठीक है ना, ऐसा इस पे कम से कम हम लोग चार पांच क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें ए बराबर बी दिखाना होता है, सब में हम लोग देखे कि ए सबसेट ऑफ बी होता है और बी सबसेट ऑफ ए होता। हाँ जी, अब आराम से हमको इसका उत्पत्ति, इसका प्रूफ कर लेते हैं फटाफट से, क्या करना है, सब यही छापना है। पहला काम क्या है, मानेंगे लेट एक्स बिलोंग्स टू ए, मान ली एक्स मेरा ए के अंदर बिलोंग कर रहा, यहाँ पर आप त्रिकोण लगाओगे, लगाने के बाद वाई बिलोंग्स टू बी दिखा दोगे तो मेरा ए सबसेट ऑफ बी हो जाएगा। अगेन सेम यही काम आपको इसके लिए करना है, लेट y belongs to b और यहाँ त्रिकोण लगाओगे, त्रिकोण लगाने के बाद y belongs to a आपको दिखाना है तो b सबसेट ऑफ a हो जाएगा, b मेरा a का सबसेट, a मेरा b का सबसेट, अतः a बराबर b हो गया, मेरा बन चुका है। अब आगे आप बना लोगे खुद से, भैया कहाँ जा रहे हैं ये बताइए, बीच में क्या होने वाला अच्छा रुको बता देता, बता घबराओ मैं बताता हूँ, देखो यहाँ पर अगर x मेरा a के अंदर बिलोंग कर रहा, अगर एक्स मेरा ए के अंदर बिलोंग कर रहा तो आप क्या बोल सकते हो, ए का जो सेट होगा वो मेरा पी ए के अंदर बिलोंग कर रहा, क्यों हम लोग पी ए ला रहे हैं, क्योंकि हमको दिया हुआ है पी ए का फॉर्म, इसलिए पी ए में कन्वर्ट करेंगे। एक बार फिर से समझो, अगर एक्स वाले भैया अगर ए के अंदर बिलोंग कर रहे हैं तो एक्स को अगर कोट शर्ट पहना देंगे अर्थात उसका जो सेट होगा वो पी ए के अंदर बिलोंग करेगा, बिल्कुल सही, अर्थात एक्स का जो सेट होगा वो मेरा पी ए के अंदर बिलोंग करने वाला, कहीं कोई समस्या, बिल्कुल नहीं। अब यहां से हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते, क्या पी ए जो है मेरा पी बी, हाँ पी बी के बराबर है, पी ए किसके बराबर है, पी बी के बराबर, पी ए बराबर है पी बी का। हाँ जी, अब यहां से ये भी बोल सकते हैं, अगर समझना
सीबी का बराबर है ना, अगर ये मान लो यहां पर बी रहा था, यहां पर बी रहा था, तो क्या बोलते, अगर ये मेरा ये स्टेट ऑफ एक्स जो है, अगर मेरा पी बी के अंदर बिलोंग कर रहा तो एक्स मेरा बी के अंदर बिलोंग करेगा, ये भी हम लोग बोल सकते, बिल्कुल भैया बोल सकते आप, इसका मतलब एक्स बिलोंग टू बी होगा। यहाँ वाई आ गया, अरे मेरे प्यारे यहाँ एक्स लिखते, यहाँ वाई किसे आ गया, इतना हम लोग छापने में मशहूल हो गए कि वक्त दुनिया जज्बात सब कुछ चेंज कर दिए। एक्स मेरा ए के अंदर बिलोंग कर रहा था और एक्स मेरा बी के अंदर ही बिलोंग कर गया, उस कंडीशन में ए और बी आपस में सबसेट हो गया, देयरफॉर ए सबसेट ऑफ बी, देख रहे हो ठीक, आसानी से हो गया। अब यहाँ पर त्रिकोण लगाना है, अगेन यहाँ देखो वाई बिलोंग्स टू बी है, वाई मेरा बी के अंदर बिलोंग कर रहा, वाई मेरा बी के अंदर बिलोंग कर रहा, बिल्कुल सही, तो बोलेंगे y का जो सेट होगा वो भी मेरा पीबी के अंदर बिलोंग करेगा, हाँ जी y का जो सेट होगा वो भी मेरा पीबी के अंदर बिलोंग करने वाला, और पीबी जो है वो पीए के बराबर होने वाला, पीबी किसके बराबर है, पीबी मेरा पीए के बराबर है, अर्थात यहां पर पीए आ गया। ओके अगेन जब मेरा समझना y मेरा पीए के अंदर बिलोंग कर रहा है, y मेरा PA के अंदर बिलोंग कर रहा है y का सेट, तो y मेरा A के अंदर बिलोंग करेगा, हाँ भैया देयरफॉर y बिलोंग्स टू A, हमको यही तो प्रूफ करना था y बिलोंग्स टू A, जैसे ही y बिलोंग्स टू A हो गया B सबसेट ऑफ A हो जाएगा, मेरा प्यारा सा प्रूफ हो चुका है, बहुत प्यारा सा प्रूफ हो चुका है, A सबसेट ऑफ B, B सबसेट ऑफ A, देख क्या अर्थात A बराबर B हो गया, यही हमको प्रूफ भी करना था और प्रूफ हो चुका है। समय कितना हुआ, समय देखने तो पहले हमें, समय तो बहुत ज्यादा हो गया, एक और क्वेश्चन करेंगे फिर आज क्लास विराम करेंगे, ठीक है, मैं एक क्वेश्चन और उतारता हूं, इस लास्ट क्वेश्चन को करेंगे, आज का क्लास यहीं पर समाप्त हो जाएगा। मुझे ये बताओगे अगर आपको A सबसेट ऑफ B दिखाना होता था, हम लोग क्या करते थे, सिंपल सा X को A के अंदर बिलोंग करते थे, त्रिकोण लगाते थे, और मेरा X मेरा अगर B के अंदर बिलोंग कर गया तो ये A मेरा B का सबसेट होता था, यही हम लोग जानते थे, यही हम लोग करते हुए आ रहे हैं अभी तक में, सिर्फ वही काम यहाँ पर करना है, इस दोनों को सबसेट दिखाना है, अर्थात A की जगह पर C माइनस B आ गया और B की जगह पर C माइनस A आ गया, तो जहां A है वहां पर C माइनस B रहेगा, जहां बी है वहां पर सी माइनस ए रहेगा, उस कंडीशन में ये दोनों आपस में सबसेट होने वाला है। मेरे ख्याल से अब आपको कुछ समझ में आ रहा होगा, सी माइनस ए सबसेट ऑफ सी माइनस बी, सी माइनस बी ना, पहले सी माइनस बी आया हुआ है ना, सी माइनस बी सबसेट ऑफ सी माइनस ए, चलो ऐसे यही काम करना है आपको, और कुछ यहाँ लेट मान के चलना है, ऐसा देखो कैसे बनाना है, दिया हुआ है, अब बहुत हिंदी लिख लिया ना, अब कुछ इंग्लिश लिखा जाए, गिव मी दैट। भैया जी एक बात बताइए, अब थोड़ा सा आप धीरे धीरे लग रहा है, एनर्जी सब खत्म हो गया आपका, हाँ अरे होता क्या है, कंटिन्यू जब एक घंटा लगभग बोल मतलब कंटिन्यू बोलना होता है ना, तो थोड़ा सा बाद में एनर्जी डाउन हो जाता है ना, एक आधा एनर्जी ड्रिंक रखना होगा हमको, जैसे एनर्जी डाउन तुरंत लेने का पानी रखना होगा ना। चलो नाउ अब क्या करना है, सिंपल सा वही करना है, एक्स मानेंगे सी माइनस बी में, तो लेट एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस बी ये मान के चले हम लोग, हाँ जी एक्स बिलोंग टू सी माइनस बी मान के चले, और यहाँ पे कुछ त्रिकोण लगाएंगे, बहुत बड़ा बहुत सारा त्रिकोण लगाने वाले, और ये दिखा देंगे कि एक्स बिलोंग टू सी माइनस ए, तो हम लोग का ये दिख जाएगा अतः सी माइनस बी सबसेट ऑफ सी माइनस ए, चलो हम लोग का प्रूफ हो गया। अब मुझे आपसे उम्मीद है कि आप इसको प्रूफ कर पाओगे, मैं छोड़ देता हूँ इसको, आप खुद से करोगे इसको, ठीक है, इसको रहन देता हूँ, रहन दो जल्दी बताओ, इसको रहन देता हूँ, ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, क्योंकि ये सबसे आसान क्वेश्चन अभी तक का है, अगर ये नहीं बन पा रहा होगा आपसे ना, तो इतना मेहनत करना मेरा बेकार है, मैं आपके ऊपर ये छोड़ रहा हूं, आपके ऊपर ये छोड़ रहा हूं क्वेश्चन, आप इसको खुद बनाओगे, और यही आपका आज का क्विज भी हो गया, सेल्फ टेस्ट भी हो गया, सब कुछ यही हो गया, अगर ये अपने आप में बना पा रहे हो आप, इसका मतलब हुआ कि हाँ बंदे में है दर्द, वो कुछ करने के लिए है तैयार, हाँ इसलिए समझ रहे हो ना, तो मैं आज आपके लिए एक प्यारा सा क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, छोड़ना क्या हुआ, ऐसे दिख रहा है ये सॉल्व हो गया, लेकिन मैं थोड़ा सा भी हिंट्स नहीं देने वाला आपको, मुझे पता है जब इतने बड़े बड़े हम लोग सॉल्व इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ये बच्चा क्वेश्चन तीन चार लाइन में सॉल्व कर पाओगे, यहाँ खुद दिख रहा है हाँ हम सॉल्व होने के लिए आए हैं, हमको कोई सॉल्व कर लो, ये खुद बोल रहा है आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, ये सबसे बड़ी समस्याएं हैं, ठीक मेहनत करो सॉल्व करो और देखो कितना मजा आता, ठीक है चलते हैं मिलते हैं अगले क्लास में, और आज तो हम सोचे थे कम से कम पांच क्वेश्चन कराएंगे, लेकिन तीसरा क्वेश्चन आते आते समझ रहे हो ना, तो कल भी उम्मीद रखना, अगर कल स्पीड जारी रहा तो कल क्लास कंप्लीट हो जाएगा, वरना एक दिन और क्लास लेना होगा, कोई नहीं एक दिन और क्लास ले लेंगे, लेकिन अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है आज के लिए इतना ही, जय हिंद।